नमस्कार दोस्तों, मैं डीएसके, आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। स्वागत है आपका बिग बॉस 12 के वीकेंड के वार के, ये संडे वाले वीकेंड के वार के रिव्यू में। संडे का वीकेंड का वार बोले तो 90% एपिसोड सिर्फ और सिर्फ फन, मस्ती, मजाक, डांस, परफॉर्मेंस इसी में निकल जाता है। एंड टुडेज एपिसोड वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। आज भी वही हुआ जो हर संडे होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के एपिसोड में एंटरटेनमेंट और एनर्जी का डोज रणबीर सिंह आया था, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत बिग बॉस की, रणबीर सिंह के आने के बाद भी इतने जबरदस्त उसकी एनर्जी से भरपूर रहता वो, लेकिन वो भी आज के एपिसोड को बोरिंग और ब्लंडर होने से रोक नहीं पाया। सिम्बा की टीम आई थी रोहित शेट्टी के साथ एंड काफी अच्छे से वो घर वालों से मिल रहे थे, डांस वगैरह। और हाँ, दीपक से एक्टिंग भी करवाई गई थी। भाई रोहित शेट्टी के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था ना कि यार कब खत्म हो, कब खत्म हो। और आई एम नॉट टेकिंग, मैं यहाँ पर दीपक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दीपक सिंगर है तो गाने अच्छे गाता है, लेकिन एक्टिंग तुमसे ना हो पाएगा भैया, प्लीज। एंड सोमी खान को तो जिंदगी में एक्टिंग ट्राई करनी ही नहीं चाहिए। शादी के लिए प्रपोज करने आई थी उस एक्ट में, लेकिन ग्रीन कार्ड और वही सब करती रही, तो रोहित शेट्टी को भी बोलना पड़ा कि मैरिज का प्रपोजल लाई हो या फिर एड्रेस वगैरह पता करने आई। तो रोहित शेट्टी के एक्सप्रेशन और रणवीर सिंह के भी थोड़े से ठंडे वाले एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर करना क्या है। हाँ, सुरभि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आई थिंक 10 से 15 बार उसने हक किया था रणवीर सिंह को। यहाँ पर मजे ही मजे में रोहित शेट्टी ने और रणवीर सिंह ने भी मिस्टर पोपटिया यानी केवी की के क्लास ले ली थी, जब रोहित शेट्टी ने बोला था कि इस टास्क के लिए हमें एक्टर चाहिए, और केवी के बाजू में से होकर दीपक को ले लिया। एंड केवी के सामने रोहित शेट्टी ने बोल भी दिया था मजाक में कि हमको एक्टर चाहिए, वी डोंट वांट पीपल लाइक करण। हालांकि मजाक मस्ती में था तो थोड़ा बहुत ट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से दीपक ने परफॉर्म किया इस टास्क में वाज टोटली डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग ये वर्ड बोला था सोमी को दीपक ने, तो कहीं ना कहीं पता तो चल जाता है कि केमिकल लोचा है, चाहे वो मेघा धाड़े को चाल चलन बोलना हो या फिर जसलीन मथारू को न लड़की है न लड़का है। एंड मजाक मस्ती वाली टास्क ही थी, लेकिन फिर भी उसने सोमी को डिसगस्टिंग बोल ही दिया, और रोहित शेट्टी ने इतना सुनते ही सोमी खान को बिठा दिया। और शेट्टी साहब ने डांस के बहाने दीपक ठाकुर को ठाक करके कबाड़े की तरह केवी की गोद में फेंक दिया था। हालांकि ये देखने में थोड़ा कम अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने घुमा फिरा कर उसको जैसे हम कचरा फेंकते हैं या हम रद्दी फेंकते हैं इस तरह से किया, वो थोड़ा देखने में बड़ा ऑड लगा। बट ये फन टास्क चल रही थी तो फनी वे में सब कुछ माफ होता है। हालांकि डांस वगैरह चलता रहा, जहां पर कि मिस्टर डिग्निफाइड, मिस्टर जेंटलमैन, द गाय विथ नो पर्पस, मिस्टर कोबरा को आज फिर वल्गैरिटी का सर्टिफिकेट मिल गया। वल्गैरिटी को वो एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेने के आदी हो चुके हैं। इसी बिग बॉस 12 में अनीता ने भी, अनीता अंशनंदानी जो आई थी, उन्होंने भी केवी को बोला था, केवी तुम्हारा डांस कितना वल्गर था। आज रोहित शेट्टी ने भी करणवीर वोरा को वल्गर, यानी करणवीर नहीं, उनका नाम होना चाहिए हवसवीर, द हवसवीर कोबरा मैन, जो सर पर पहनता है ब्रा और उसको यूज करता है एज ब्रामेट यानी कि हेलमेट। कभी बाइक वगैरह लेके जाते कोई पांडु पकड़ नहीं पाएगा, क्यों तुझा हेलमेट कुटा है? अरे हाँ माजा हेलमेट आए। तो केवी बाबू ने इतने सालों में जो कुछ भी इज्जत कमाई होगी इस बिग बॉस 12 में आकर उन्होंने अपनी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन केवी के फैंस अभी भी पता नहीं कौन से वंडरलैंड में हैं जो केवी को हम्बल, डिग्निफाइड और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एनीवे, इसी दौरान केवी को चोट लग गई थी, और पिछले 2-3 दिनों से केवी जिस आदमी को सबसे ज्यादा गाली दे रहे हैं यानी कि श्रीशांत, श्रीशांत ने बड़ा दिल दिखाते हुए केवी के जो क्रैम्प आए थे उन्हें उठाया, उन्हें सहारा दिया। एंड बाद में जब सुल्तानी अखाड़े में जब गए एंड तब भी केवी को सहारा देकर श्रीशांत ही लाए थे। ये है बहुत मामूली सी चीज, लेकिन ये बात साबित करती है कि बंदे का दिल कितना बड़ा है। पिछले 2-3 दिनों से केवी कोई मौका नहीं छोड़ रहे श्रीशांत को नीचा दिखाने का। श्रीशांत को भी कोई जरूरत नहीं थी कि पैर में लगी कर ले, अपने अपने दोस्त यारों से करवा लेना तू अपनी खातिरदारी या जो भी सहारा चाहिए है, जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए। लेकिन श्रीशांत आगे बढ़ के गए, अपना बड़ा दिल दिखाया, और ये क्वालिटी है जो श्रीशांत को बाकी सबसे अलग बनाती है। सुल्तानी अखाड़े में जब केवी को सपोर्ट देते हुए श्रीशांत आए थे, श्रीशांत का सहारा लेकर ही खड़े थे करणवीर द हवसवीर बोहरा, और श्रीशांत के ही खिलाफ बोल रहे थे। सलमान खान ने भी वहां चुटकी ले ही ली कि तुम श्री क्या गैस बोल रहे हो, सहारा किसका लेकर खड़े हो, श्री का ही सहारा लेकर खड़े हो। केवी के बारे में, उनके ब्लंडर्स के बारे में बोलने के लिए अगर मैं शुरुआत करूंगा
तो 500 ग्रंथ लिखने पड़ेंगे, इतनी महिमा बहुत बड़ी हो चुकी है केवी के ब्लेंडर्स की। सुल्तानी अखाड़े में दीपिका, दीपक और श्रीसंत की टीम आज जीत गई 4-1 के जबरदस्त स्कोर से। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि सुल्तानी अखाड़े में जीतने वाली टीम को कुछ ऐसा मिला जो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे, हारने वाली टीम को हार कर बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहां पर एक चीज और अच्छी हुई है कि हरियाणा का गबरू जवान लौंडा रोमिल चौधरी दीपक से सुल्तानी अखाड़े के फिजिकल वाले राउंड में हार गया। आई मीन कैन यू बिलीव इट, आई नो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन रोमिल चौधरी को दीपक ठाकुर ने सुल्तानी अखाड़े के फिजिकल राउंड में पटक दिया 2 बार। अरे वाह, गजब है यार, गजब है। जैसे कि हम पिछले वीक से देख भी रहे हैं, एंड कल जो मैंने रैंकिंग जो मैंने मेरे रिव्यू में कही थी, जहां पर मैंने दीपक को ऊपर रखा था, रोमिल को नीचे रखा था, आज के इस एपिसोड में उस बात पर एक तरह से मोहर लग गई है कि दीपक खेल में भी ऊपर आ चुका है एंड टास्क वगैरह में तो खैर ऊपर है ही, एंड सुल्तानी अखाड़े में रोमिल को पछाड़ कर उसने एक तरह से अपनी बादशाहत रोमिल के ऊपर हासिल कर ली है। कि रोमिल तुम खुद को बहुत बड़ा ही प्लानर बोलो या चैनल तुम्हें मास्टरमाइंड बोले, लेकिन अब हम सही लोगों की कंपनी में आ गए हैं, तो अब हम तुमसे 50 लीग या 50 कोस ऊपर आ चुके हैं। आज के इस एपिसोड में रोमिल उनकी टीम बुरी तरह से हारी है, एंड रोमिल केवी और सोमी की जो तिकड़ी थी, इस तिकड़ी में से एक विकेट डाउन हो गया कौन, यानी घर से इविक्ट हो चुकी है मिस मेबलिन। मिस मेबलिन यानी कि सोमी खान का आज हो गया इविक्शन। हालांकि ये इविक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट किया सलमान जी ने, तो उन्होंने ऑलरेडी दीपक केवी एंड श्रीसंत को सेव कर दिया था, डेंजर जोन में बिठाया था चेयर के ऊपर दीपिका, रोमिल और मिस मेबलिन। चेयर्स घूमती रही और सडनली मिस मेबलिन वहां से गायब हो गई। आई एम वंडरिंग कि जो क्रू मेंबर्स खड़े होंगे जिन्होंने मिस मेबलिन को पकड़ के उठा लिया होगा या खींच लिया होगा, किसी ने गलती से अगर मिस मेबलिन को जबरदस्ती पकड़ लिया होगा तो मिस मेबलिन ने वहीं शुरू कर दिया, ओह प्लीज डोंट टच मी, हाउ डू यू, आई एम मिस मेबलिन, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं सदी की सबसे स्ट्रांग महिला हूं, ओह माय गॉड, मैं इविक नहीं हो सकती, ओह प्लीज ये घटिया बंदी मत करो मेरे साथ, कहां है सलमान खान। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उन क्रू मेंबर्स के लिए जिन्होंने मिस मेबलिन की जली कटी बातें सुन रहे होंगे वो लोग अंदर, क्योंकि वो तो आज के एपिसोड में भी बोली थी मैं अपने आप को विनर मानती हूँ, कल के एपिसोड में मैं अपने आप को टॉप 3 में तो देखती हूँ इंशाल्लाह। वाओ, अल्लाह भी उसकी मदद करता है जिसकी नेक नियत होती है, और मिस मेबलिन आपकी नियत कभी नेक रही ही नहीं है, पूरे सीजन में दूसरों के सहारे एक झुंड में खेलती रही हो और खुद को बोलती हो नो मैं वीक नहीं हूं मैं बहुत स्ट्रांग हूं। हाँ क्या बात है, जमाना जानता है कितनी स्ट्रांग थी आप। मिस मेबलिन और उनकी बहन एक और मेकअप की दुकान, दोनों अब घर पर बैठकर बिग बॉस देखेंगे, एंड कुछ दिनों बाद हो सकता है हमें फिनाले में ये दोनों बहनें साथ में देखने को मिले, दो दो मेबलिन की दुकानें देखने को मिलेंगी। बब्बल को भी ले आना साथ में, बेचारा हमें देख ले कि बब्बल कैसा है, जिंदा है या नहीं है। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करते हैं। वोटिंग लाइन बाय द वे ओपन हो चुकी है, इस वीक भर भर कर वोट करना है। जिस तरह से श्री एंड दीपिका की बॉन्डिंग चल रही है, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि श्री दीपिका फिनाले में आए, टॉप 2 में आए, दीपक नंबर 3 का जबरदस्त दावेदार लग रहा है। दीपिका एंड श्री के साथ दीपक की बॉन्डिंग और ट्यूनिंग काफी अच्छी जम रही है। सो गाइज, आप भर भर कर वोट कीजिएगा, मेरा फेवरेट श्रीसंत है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप श्री को जबरदस्त तरीके से वोट करें, सपोर्ट करें। दीपिका भी काफी अच्छी है, डिजर्विंग है, तो अगर आप दीपिका फैन से तो आप दीपिका को जबरदस्त तरीके से भर भर कर वोट कीजिए, और आप दीपक के फैन हैं तो मैं दीपक के फैंस से भी यही कहूंगा कि दीपक के फैंस लग जाइए और वोट कीजिए दन दना दन दन। भाई अब मैं दिल के हाथों मजबूर हूं, तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो श्रीसंत है, तो जितने भी श्री फैंस है भर भर के लग जाइए, भर भर के लग जाइए और जबरदस्त 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 तरीके से वोट्स की सुनामी क्रिएट कर दीजिए। आपको ओवरऑल एपिसोड कैसा लगा ये तो खैर मुझे पता है, क्योंकि 90% एपिसोड बकवास था। जो एक जेस्चर दिखाया श्रीसंत ने, जिस तरह से केवी उनको पिछले 2-3 दिनों से हर मौके पर नीचा दिखा रहे हैं, मेरे डैड को वैसा बोला वैसा बोला, इसके बाद भी श्रीसंत ने बड़ा दिल दिखाया, केवी को अपना हाथ दिया, सपोर्ट दिया, अंदर कमरे तक लेके आए, एंड साबित करता है कि श्रीसंत दिल के कितने भोले हैं, दिल के कितने साफ इंसान है, दिल में किसी के लिए रंजिश वगैरह नहीं रखते। तो इतना जबरदस्त और नेक दिल इंसान ट्रॉफी जीते, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है, एंड आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें भर भर कर वोट करें, प्यार करें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यस प्लीज
कीप वोटिंग, वोटिंग लाइन ओपन है, जबरदस्त जबरदस्त वोट कीजिए।